हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। पूर्णिमा से, जेठ पूर्णिमा के दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई और अमरनाथ में पहली बार ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। लोगों ने शिवलिंग पर कबूतर को बैठे देखा है। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य समाधिस्थ होने का स्थान, तो केदारनाथ विश्राम भवन। हिमालय का कण कण शिव शंकर का, भोलेनाथ का स्थान है। बाबा अमरनाथ को यहाँ पे सभी लोग बर्फ के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा कहते हैं। और इन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्माण होता है। हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज्यादा आस्था वाला पवित्र स्थल माना जाता है। श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और पवित्र गुफा की लंबाई, यानी कि जो भीतरी गहराई है, वो 19 मीटर की है। चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर की है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से बने नैसर्गिक शिवलिंग का बनना है और सभी लोग इसे हिम से बनने के कारण स्वयंभू हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक होने वाले इस पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। गुफा में ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें टपकती रहती है। यहीं पर ऐसी जगह है जहां टपकने वाली हिम बूंदों से करीब 10 फीट ऊंचा शिवलिंग बन जाता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ बर्फ के लिंग का आकार भी घटता और बढ़ता रहता है और सावन की पूर्णिमा को ये पूर्ण आकार में हो जाता है। धीरे धीरे अमावस्या तक छोटा हो जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है, जबकि आसपास आम तौर पर कच्ची और भुरभुरी बर्फ होती है। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और अमरनाथ यात्रा को सबसे ज़्यादा प्रमुख तीर्थ मानने के कारण सभी लोग, लाखों लोग हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। और जिसने भी, माना जाता है, इस रोमांचक यात्रा को नहीं की, वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली इंसान है, क्योंकि धरती के स्वर्ग का एक खास आनंद से वो वंचित रह गया। इतना ही नहीं, अमरनाथ यात्रा पर न जाने वाला बड़ा नैसर्गिक खुशी भी मिस कर देते हैं। तमाम कठिनाइयों, बाधाओं, खतरों के बावजूद मॉनसून के समय 2 महीने तक चलने वाली ये पवित्र यात्रा एक सुखद एहसास होती है। यही वजह है कि दिनों दिन इसको लेकर के उत्साह बढ़ता ही जा रहा है और जब भी श्रद्धालुओं का जत्था निकलता है तो जय भोलेनाथ, बम बम भोले, हर हर महादेव और वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय के सभी सुर एक साथ निकलते हैं। जेठ पूर्णिमा की सुबह इस बार 2018 में बहुत ही करामाती चीज हुई, जब पंडित अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के पहले दिन पवित्र गुफा में आरती करने पहुंचे तो वहां ये अनोखा संयोग, अद्भुत संयोग देख करके हैरान रह गए। पंडितों ने बताया कि उन्होंने पहली बार शिवलिंग पर कबूतर को बैठे हुए देखा है और अक्सर पवित्र गुफा के अंदर कबूतरों को उड़ते हुए देखा जाता है, लेकिन ये अद्भुत नज़ारा बैठे हुए शिवलिंग पर इस बार पहली बार हुआ है। इसकी खोज के पीछे एक दिलचस्प कहानी आती है। हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित इस पवित्र गुफा की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है, इतनी ऊंचाई पर स्थित इस गुफा के स्थान तक सबसे पहले कौन पहुंचा होगा, या इस गुफा में भगवान शिव के इस रूप में दर्शन पहली बार किसने किए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पुराण और लोक मान्यताओं में मिलते हैं। इन सबसे अलग इस गुफा के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी खोज एक कश्मीरी मुसलमान ने की थी, जिसका नाम था बूटा मलिक। मलिक भेड़ चराने का काम करता था और इसके परिवार के लोग आज भी अमरनाथ गुफा की देखभाल करते हैं। कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और एक दिन वह भेड़े चराते चराते बहुत दूर निकल गया। बर्फीले वीरान इलाके में पहुंचकर उसके एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक कांगड़ी, हाथ सेकने की सिगड़ी दे दी और घर पहुंचकर उसने कोयले की जगह सोना पाया तो वो बहुत हैरान हुआ।
उसी समय वह साधु का धन्यवाद करने के लिए गया, परंतु वहां साधु को ना पाकर एक विशाल गुफा को उसने देखा। और गडेरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोलेनाथ के बने शिवलिंग के आकार में भगवान स्थापित थे। इसके बाद उसने ये बात गांव के मुखिया को बताई और ये मामला वहां के तत्कालीन राजा के दरबार में पहुंचा। इसके बाद समय के साथ स्थान के महत्व के बारे में लोगों को मालूम चला और यहाँ के लोगों का आना शुरू हो गया, तभी से ये स्थान एक तीर्थ बन गया। इतिहास में इस बात का जिक्र किया जाता है कि महान शासक आर्य राजा कश्मीर में बर्फ से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते थे। रज तरंगिनी किताब में भी इसे अमरनाथ या अमरेश्वर का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमठी ने त्रिशूल, बनालिंग और दूसरे पवित्र चिन्हों को मंदिर में भेंट स्वरूप दिए थे। अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत प्रजा भट्ट के द्वारा की गई थी, के साथ ही साथ इतिहास में इस गुफा को लेकर कई दूसरी कथाएं भी मौजूद है। शिवलिंग के निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होते हैं। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया जब हम बात करते हैं दुर्गा माँ की, और यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक मानी जाती है। यहाँ माता के अंग तथा आभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत जाते थे और वहाँ जाकर तपस्या करते थे, लेकिन आजकल यात्राएं, सुविधाएं सुगम होने के चलते मनुष्य कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगे हैं। ये वो स्थान है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा गया है। मान्यता ऐसी आती है कि इस गुफा में शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। जो कबूतर देखे गए हैं इनकी सबसे ज्यादा खूबसूरत कथा अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर सद्योजात शुक शिशु शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। गुफा में आज भी कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है उन्हें शिव पार्वती दर्शन देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अनीश्वर कथा पार्वती को इसी गुफा में सुनाई थी, इसलिए ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। शिव ने पार्वती को ऐसी कथा भी सुनाई थी जिसमें यात्रा और मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन था और ये संपूर्ण कथा अमर कथा के नाम से विख्यात हुई। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। ये कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी से शंकर जी ने पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नर मुंड की माला क्यों है। तब भगवान शंकर ने बताया, पार्वती जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। तब पार्वती कहती हैं, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया और बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देनी चाहिए। अब सवाल ये था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा केशों से
चंद्रमा को मुक्त किया और शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती माता को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहां एक शुक हरा रंग का कठफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता जो कहते हैं उसका बच्चा भी ये ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठा एक शुक ने हुंकारी भरना आरंभ कर दिया। जब भगवान शिव को ये बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपने त्रिशूल को छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वो व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इनको आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए, जिनको हम सुखदेव जी कहते हैं। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था और जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमरनाथ यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है और इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घकाल तक ये शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है इस बार जो खूबसूरत अद्भुत संयोग बना है, यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। ये आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है, जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है और पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभो मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदि काल में ब्रह्मा, प्रकृति, स्थावर, पर्वत आदि, जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रम अनुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कूष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्र आदि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधित ना करे, मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, ये आप लोगों को मृत्यु रोग की औषधि है। इस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वो सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। आज भी पावन गुफा में जो भस्म है वो इसी अमृत बिंदु के कण माने जाते हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम नौछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए और देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देख करके उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर के शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा।
देवताओं को ऐसा वर दे करके सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे और भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं को मृत्यु का नाश किया, तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से कथा संपूर्ण हुई और इसके बाद शिव और पार्वती वहां पर सदा के लिए निवास करने लगे। आज मैंने आपको इस कथा को सुनाई, आप भी अपने सभी जानकारों से इस कथा को ज़रूर सुनाएं और इसके जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसको ज़रूर प्राप्त करें। आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए हर साल जो भी लोग दर्शन करने जाते हैं, ऊपर से जो पानी की बूंदें टपकती है और चंद्रमा के हिसाब से शिवलिंग जो घटता बढ़ता रहता है, उसके दर्शन करने से साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन होते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वहाँ पर जो शिवलिंग है वो इतनी ठोस है जबकि आसपास की बर्फ बिल्कुल भुरभुरी है। आप भी सभी लोगों से इसे ज़रूर शेयर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को इस कथा को, अमर कथा को ज़रूर सुनाएं जो मैंने आज आपको सुनाई है, और आप भी इसके पुण्य के भागी बन जाएं। टेक केयर, लव यू ऑल। हो सके तो कभी अमरनाथ के दर्शन करने ज़रूर जाएं, वरना घर बैठे आज हम दर्शन ज़रूर करते हैं। टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, अमरनाथ की। हरी कृपा प्रभु, हरी लीला, क्या बात है।